राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे आए हो? आप ठीक होंगे, कुशल होंगे। और आप थंबनेल के देख के जाने गए होंगे आज मैंने क्या बनाया। आज मैंने बनाई है स्प्रिंग आनियन वाली कढ़ी, और इसके लिए मैंने आधा लीटर दही ले लिया है, और मैंने उसमें कुछ पानी भी मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये कल की थी तो कुछ ज़्यादा ही खट्टी होगी। मैंने इसको बाहर छोड़ दिया था, जान कुछ के छोड़ा था, क्योंकि कढ़ी हम लोग खट्टी ही खाते हैं। और मैंने इसके लिए कढ़ी बनाने के लिए एक प्याज चॉप कर ली है बारीक बारीक, और चार मैंने स्प्रिंग आनियन लिए थे उनको भी मैंने धुल के अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर दिया है। और ये मैं अपनी दही को फेंट लेती हूँ अच्छे से, इसकी छाछ बना लेती हूँ। ये देखिए ब्लेंडर से बना ली है मैंने, क्योंकि जल्दी जल्दी थी, क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे, एक बच्चे का था, इसलिए मैंने सोचा ब्लेंडर से मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और हैंड विस्कर से या मथनी से थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने ब्लेंडर से अपनी छाछ को बना लिया है। और इसी में मैं हमारा जो जितने भी मसाले हैं मैं इसी में ऐड करती हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही छाछ में ही ऐड करते हैं मसाले, खाली उसमें तड़का लगाते हैं। और ये मैंने डाल दिया है बेसन 2.5 चम्मच टेबलस्पून थी, और ये मैंने अभी हींग पाउडर डाल दिया है 2 पिंच भर, और इसी में मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि यही हमारी कढ़ी की कलर लाएगा, और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं। और मैं इसको फिर से चला दूँगी ब्लेंडर से, इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, मसाले के और बेसन के भी लम्स पड़ जाते हैं, वो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं ब्लेंडर से चला रही हूँ तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें, और हमारा अच्छा से पेस्ट तैयार हो जाएगा कढ़ी के लिए। काफ़ी लोग वैसे भी तड़का लगाते हैं, खाली बेसन बेसन घोलते हैं और मसाले से, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही कढ़ी के अंदर ही सारे मसाले ऐड करके और फिर अलग से तड़का लगाया जाता है। और ये देखिए मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं 1 सरसों के तेल का बड़ा चमचा डाल दूँगी, और ये अब मैंने मेथी दाना डाल दिया है 1/2 चम्मच, और इसको भुनने तक रख देंगे इसको। ये देखिए भुन गया है, और मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और मैं थोड़ी सी इसमें राई भी डालूँगी, उसका भी अच्छा देखने में भी अच्छी लगती है और फ्लेवर भी अलग से ही आता है। ये देखिए जो बारीक वाली राई होती है ब्राउन वाली जो अचार में डालते हैं, और ये मैंने अपनी चॉप की हुई प्याज डाल दी है, और मैंने जो स्प्रिंग आनियन थे वो पहले से ही कट करके रख लिए, स्प्रिंग आनियन और 2 से 3 हरी मिर्ची थी वो मैंने साथ में ही कट कर लिए थे। और ये हमारी प्याज भुन चुकी है, और मैं ये अपनी स्प्रिंग आनियन और हरी मिर्ची इसी में डाल के फ्राई करूँगी, 80% तक पक जाने तक मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि कड़ी खट्टी होती है तो ये अच्छे से पक नहीं पाएगी, इसमें एक अलग से क्रंचीपन रह जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता है कड़ी में। और ये मैंने 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल दिया है, और हमारी प्याज लगभग पक चुकी है, और मैं अब इसमें जो हमने कड़ी का पेस्ट तैयार किया था, घोल तैयार किया था, वो डाल देती हूँ। और इस कड़ी को हमें तब तक चलाना है तब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए, क्योंकि कढ़ी फट जाएगी, इसको इसलिए लगातार हिलाते रहना है। और ये देखिए हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है, खूब अच्छे से उबल रही है, और इसको मैं 10-15 मिनट के लिए ऐसे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ, और मैं तब तक अपना आटा तैयार कर लूँगी। और इस कढ़ी के साथ में हम लोग बनाएंगे आज मेथी की रोटी, सिंपल रोटी मेथी की, पराठे नहीं बनाऊंगे। और ये हमारी कढ़ी पक चुकी है खूब अच्छे से, इसमें बहुत उबाल आ गया है, इसकी एक पहचान भी होती है कि ये अपना तेल छोड़ देती है साइड में, और बिल्कुल पक के तैयार है। और मैंने अपना हरा धनिया चॉप करके इसमें डाल दिया है, ये देखिए, और हमारा खाना बिल्कुल से तैयार है बन के। मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं, और ये देखिए बच्चे खाने के लिए भी बैठ गए हैं, और
मेथी की रोटी के साथ में मक्खन भी है जो आज निकाला था मैंने अलग से, और ये देखिए कढ़ी के साथ में रोटी। चलो हम अपना खाना खाते हैं, आप भी दोपहर का खाना खाइए। चैनल को